एक गांव में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला गांव के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे के स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे, वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था, उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौट कर वापिस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधी एक दिन उससे नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची, वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उसे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कह दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहां से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपने गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और तो बीच सड़क में अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली, चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपनी ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में सरिया ना घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंख ना देनी पड़ी होती तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था, वह जिंदगी भर खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।